व्हाट्स अप गाइस, नंबर वन दिलवाला में राम पोतिनानी विदेश से वापस देश में आ रहे हैं क्योंकि वो दोस्त डिप्रेशन में है और माया की डेथ हो चुकी है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। अब मुझे लग रहा है इसके साथ लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। ये भी हो सकता है। एक रेड बियर जल्दी कर। इतना सब किस लिए? लड़के के दोस्त होंगे, खाने में तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कर रही है, पता चले वो पे ही ना करे। फोन करके पूछेंगे दारू चाहिए, तब क्या करेगी? बिजनेस माइंड। बिजनेस माइंड। हाँ ये लो। आजकल मर्द तो चेहरा देखना ही पसंद नहीं करते। ये हर मर्द का दर्द है। हेलो, साई ने आपका नंबर दिया था, कहाँ है? हम तो यहीं पे हैं। अरे कहाँ? मुझे आराम से पहचान लोगी, ग्रुप का टॉम क्रूज मैं ही हूँ। ठरकी। हेलो काओ जी। ओए बस हुई तो है, हम यहाँ हैं। हाँ वो तो बस हुई, कह रहा मैं टॉम क्रूज। ले इसकी भी अलग सेटिंग चल पड़ेगी। ये अबे अच्छा दारू के चक्कर में बंदा। दारू देख के भाई साहब गया साक्षात तुम्हारे दर्शन। नशे चल रहे। आते वक्त स्टॉक खरीद लिया था। जाते वक्त हम पियेंगे। नहीं नहीं गाड़ी में पीना मना है। जाते वक्त हम पियेंगे। आओ मेरे साथ। ऐसा ही चलो। वेलकम। आओ आओ। अरे कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। हाय विद माय फ्रेंड्स वासु सत्या कौशिक। हाय। ले भाई चल दिया। ऐसा लगता है ये लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर से दोनों कुछ और है। दोनों को एक ही लड़की से प्यार तो नहीं रहेगा। फिर से वही एंगल ना पड़ जाए भैया। राजा बजाएगा बाजा है? हाँ बजाऊंगा बजाऊंगा। आ गया ले, हो गई एंट्री। तो शादी के बाद पता चलेगा कि मेरा बाजा बज रहा है कि उसका। ये सुन एक मस्त जगह है, ऊपर पर्वत की चोटी भाई। आ गया वो, आ गया वो, देखो आ गया वही वाली बुहारी भी। शार पार्टी मोड में यार आ गया तू। यार तू तो टॉम क्रूज बन गया। चाटी अटाई तो 5 किलो वजन कम हो गया। देख तो लिया इसने भी बहुत से कुछ। बुरा तो इसको मिला कि चला गया उस टाइम पे। ये इसने देख लिया शीशे में, वैसे नहीं देख रहा था। अबे सीधा ही निकल गया भाई सामने से। सॉरी यार, तू तो उसको जानता है, उसका गुस्सा। hey, तू क्यों सेंटी हो रहा है फाफड़े? 4 साल हो गए उससे दूर होकर। वो दोस्त ही क्या जो आते ही गले लगा ले। हमें गुस्सा सब पर नहीं आता है, उन्हीं पर आता है जिनसे सबसे ज्यादा प्यार होता है। यार इतने सालों बाद आ रहा हूँ, गला सूख रहा है, कुछ पिलाओ यार। क्या यार सत्या, तूने दारू छोड़ दी? तो सारी रात जलसा है। दारू पार्टी चलते हैं इनकी। ये कैसी जगह है भाई? पार्टी वाली जगह है। सतीश कहाँ है? सतीश हाँ। ये सब क्या है वे? पार्टी है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप करके आया हूँ। लेकिन इधर तो कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है? अबे ये गा रही है या रो रही है? क्या अकेली पार्टी? फाफड़े को कुछ बोला था? बोला था मैंने तो, कहने लगे कि लड़की वाले पुराने ख्याल रखे, जैसे उसकी माँ कोई सती है और उसका बाप कोई साधु रहा है। चमाई ना पीने के पहले ही उतर। ओए वो देख हमारी होने वाली पाबी। पर ये बुढ़ऊ कौन है? ओए पीछे उसकी आखिरी ख्वाहिश होगी शादी देखने की। आजकल शादी फैशन बन गई है। आप क्या लेंगे शादी? शादी वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आपके पास हो तो मुझे दे दो। खुद भी ये सही है।
वो तो देना साहब। ले भाई वो और तगड़ा था हीटर। इतनी सन्नाटे वाली कौन सी पार्टी है भाई? खोल मैं ये डिग्गी से कहां से खोल रही है साइड से। तेरी तो कहां अटक गया है? गलत जगह से खोल रही है। ले ये सेट है पूरी इस टाइम पे। इफ यू डोंट माइंड मेरे को घर छोड़ दोगे? अरे तूने तो पार्टी में एकदम हंगामा मचा दिया, मजा आ गया। थैंक यू। कोई बात नहीं। कल जब तू वासु को विश करने गया था उसने तुझे अवॉइड किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं, बनावटी और ढोंगी कहीं का। तू बिल्कुल मत झुकना, ये पिटेगा। मैंने थोड़ी ढील कर दी थी, तूने फिर से औकात दिखा दी। अगर वो अपनी बुराई खुद भी करे तो भी मैं यकीन नहीं करूंगा। तू भी मेरा दोस्त है इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना इस बात की मैं कह रहा हूँ इलाज आता है इसका भी। यार सॉरी अभी पिटा जाता। देख कॉलेज फ्रेंड का साथ मैक्सिमम एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन पेपर तक होता है, ऑफिस फ्रेंड का साथ शाम 4 बजे घर जाने तक होता है, पर बचपन के दोस्त का साथ आखिरी सांस तक होता है। अगर ये बात तेरी समझ में नहीं है, तो तेरा फिर बचपन का दोस्त नहीं है, या फिर तेरी उम्र बढ़ गई है पर अकल बच्चे से कम है। हम एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करो। ओके हीट भी सकता हूं ना। अरे वासु है ना, मैं महकी हूं, वेरी कॉन्फिडेंट एंड बिल्कुल बिंदास। अब इनका फिर से लव ट्रायंगल ना चल पड़े भैया। बस यही रोक पे। इससे ना डिग्गी अलग जाए तो खोल रही, अब इसे गेट नहीं खुल रहा, तो गाड़ी इसी की है। ये फिर से लव ट्रायंगल चलने वाली वो लग रही है मुझे। तुम ठीक हो ना? हाँ वासु, थैंक यू सो मच यार, तुम कमाल का बंदा है। हाँ तू ना गड्डी लेके चला जा, कल मैं तुझसे ले लूंगी। ओके बाय, थैंक यू। अरे टीवी बंद कर यार। भाई योगा आ रहा है, माइंड और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया। किसने चला रखा है? सुबह सुबह योगा में लगा हुआ है। व्यू कितना बढ़िया है यार। बहुत बड़ा तो और है। वाह कर ली। हेल्थ बना रहा हूँ, रोज सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के जागता हूँ और योगा देखता हूँ। देख के ये भी ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है नॉलेज। कल रघु तेरी बुराई कर रहा था तो अभी उस पे वही तक गया। उसने तो वार्निंग देकर छोड़ दिया, अगर मैं वहां होता और किसी ने अभी के बारे में कुछ बोला होता तो वहीं उसकी टांगे तोड़ देता। अगर इतनी फिक्र है तो बात क्यों नहीं करते? मॉर्निंग। चला गया फिर से। आज नहीं तो कल बात तो करेगा ही, टाइम वेस्ट कर रहा है। फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है बताओ। ले अब ये उसके प्यार में पड़ गई। यार वो कहीं सीरियस तो नहीं हो जाएगा? मैम आजकल की लड़की तो व्हाट्सएप पे ही पीछे पड़ जाते हैं, और आपने तो पप्पी दे डाली। हाय हाय। हाँ स्माइल देना, हाय कहना, बाय कहना, ये सब तो ठीक है, मगर इस पप्पी के बाद वो झप्पी देना चाहेगा, मंगलसूत्र खरीद लेगा, सुहागरात के लिए तैयार हो जाओ। चलो यार कृतिका अब आइए ना मैम। अरे वाह ये भी ठीक है, चलो। उसने तो नशे पप्पी दे दी उसको, वो भैया वो, लेकिन वो वासु अब ऑलरेडी अभी थोड़ा सा उस जोन में है, आउट ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोन से है वो अभी, वो वैसे ही डिस्प्रेशन में चल रहे हैं भाई साहब अभी। और उसने कहा कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जब बात करनी हुई कर लेगा। बाकी वो थोड़ा सही पॉजिटिविटी के साथ आया अभी यार, अभी ना अभी उसका वो नहीं है कि हाँ उस वाले पे टॉपिक पे उसको बात करनी है कुछ। उसने देख लिया कि ऑलरेडी वो मेरी नजर अभी भी लव ट्रायंगल पे जा रही है, हो सकता है क्योंकि अभी मैगी से मिला नहीं है अभी, और मिलने के बाद लव ट्रायंगल होगा या फिर
उनका ही रहेगा प्यार, और भाई जबरदस्ती प्यार कहेगा कि नहीं अब पिछली बार तेरे लिए छोड़ दिया अब तू मेरे लिए, देखते क्या होता है नेक्स्ट सीन में। बाकी अब थोड़ा सा एक हैपनिंग माहौल दोबारा शुरू हो, थोड़ा बीच में वैसा हो गया था दुखी दुखी सा, अब थोड़ा सा वो। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।